हाय गाइस, आज मैं लिख रही हूँ दो रेसिपी जिन्हें आप उपवास में भी इंजॉय कर सकते हैं और बिना उपवास के भी। दोनों ही बहुत टेस्टी बनती हैं और हेल्दी भी हैं। काफी सिंपल मेथड से बनाई है मैंने ये दोनों रेसिपी, इसे एंड तक आप जरूर देखिएगा। सॉल्ट एंड स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली कम या ज्यादा कर सकते हैं। घर की बनी दही लेंगे तो ज्यादा बेहतर है क्योंकि उपवास में वही अच्छी रहती है। मैं इसे नॉर्मल डे में खाने के लिए बना रही हूँ, इसीलिए मैंने बाहर की दही का इस्तेमाल किया है। अगर उपवास में बनाएंगे तो घर की ही बेहतर रहती है। फास्ट में हमें हैवी खाने का मन नहीं करता है, तो ये दोनों रेसिपी जो है काफी लाइट रहती हैं और फिलिंग भी रहती हैं, तो हमें कोई टेंशन नहीं है, इनको कभी भी हम बना के तैयार कर सकते हैं और जब चाहे एंजॉय कर सकते हैं। ये दोनों रेसिपी टेस्टी होने के साथ साथ हमारे बॉडी में और भी चीजों को फायदा देती है, जैसे कि हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है और बॉडी के एनर्जी लेवल को बूस्ट अप करती है। बस रात के टाइम हमें इसको अवॉइड करना है क्योंकि रात के टाइम दही खाना हमारी सेहत के लिए हानिकारक है। तो आप जल्दी से इन दोनों रेसिपीज को ट्राई कीजिए, बढ़िया लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और ऐसी अच्छी अच्छी झटपट रेसिपीज को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।